दुनिया भर में अंग्रेज तांत्रिकों ने अपने लिए लॉज बनवाए और पूरी दुनिया की तरह ही असम के जोरहाट में उनका कामकाज लोगों से छुपा रहा। रिसर्च के दौरान एक बात पता चली, वो ये कि लॉज बनवाने वाले अपने आप को फ्री मैसॉन्स कहते थे। यानी आजाद मुक्त राज मिस्त्री एक रहस्यमय ग्रुप के तौर पर फ्री मैसन की चर्चा हर जगह मिल जाती है, किताबों में, इंटरनेट पर। तमाम पन्नों से गुजरने के बाद भी फ्री मैसन और उनके बनाए हुए लॉज लाइट की दुनिया अंधेरे में ही रही है। जोरहाट का लॉज लाइट ऑफ आसाम और ज्यादा अंधेरे में रहा है। इसकी चर्चा चाय बागानों से बाहर कम ही निकली। हमारे जहन में ये बात 1998 में आई जब गुवाहाटी से निकलने वाले एक अखबार ने खबर छापी। खबर सनसनीखेज थी। लिखा गया था के ब्रिटेन के डेप्यूटी हाई कमिश्नर के नेतृत्व में एक दल जोरहाट आया। मकसद था 1930 से 1938 के बीच इलाके से गायब हुए ब्रिटेन के नागरिकों का पता लगाना। खबर के मुताबिक खोजबीन के दौरान लॉज लाइट इमारत से इंसान की दो खोपड़ी मिली। उस घटना को रिपोर्ट करने वालों में असमिया दैनिक के पत्रकार दिगंतो दत्ता भी हैं। वहाँ पे एक जो टेबल है, टेबल के नीचे ड्रायर भी है, ड्रायर में मिला था एक स्केलेटन भी मिला था आदमी को, और मिला था एक ड्रेस, ब्लैक कलर का ड्रेस मिला था, एक व्हाइट रोसी मिला था, रोसी ऐसा लगता है रोसी एकदम बिल्कुल नया था। लॉज लाइट के अंदर मिलने वाली मानव खोपड़ी के साथ अंग्रेज तांत्रिक क्या करते थे? क्या खोपड़ी का उस जगह मिलना इस बात का सबूत था कि अंग्रेज तांत्रिक अपनी तंत्र क्रिया के दौरान यातनाओं और वहशी हरकतों का सहारा लेते थे? क्या वो गुमराह सदस्यों को सजा देने का अधिकार भी रखते थे? इन सारे सवालों की ओर इशारा 1998 की एक रिपोर्ट में किया गया था, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया था। दिगांतो भी हमारी तरह खबर पर जांच पड़ताल के दौरान आनंद दत्ता के पास गए थे। आनंद दत्ता कुछ गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने लॉज लाइट के सदस्यों के साथ बरसों बिताए थे और उनकी जिंदगी के अनकहे किस्सों से वाकिफ थे। हमने ये सवाल आनंद दत्ता के सामने रखा। The headman would sit in the middle and others in two sides. Head lodgeman बीच में बैठता था और बाकी लोग साइड में। वो सभी काले रंग के कपड़े पहनते थे। जब आत्मा वहां आती तो हेड लॉजमैन को कुछ आवाज सुनाई देती जिससे ये पता लग जाता कि आत्मा वहां आ रही है। Soul is coming. वैज्ञानिक आनंद दत्ता की बातों से हम सन्न रह गए। उनका ये कहना कि मानव खोपड़ी कुछ और नहीं बल्कि अंग्रेज तांत्रिकों का रूहों को, आत्माओं को लॉज तक बुलाने का जरिया था, इस बात ने हमें चौंका दिया। लॉज के सदस्य एक अलग ही दुनिया के कानून को मानते थे। एक लॉज में सदस्यता 5 से 9 लोगों को ही दी जाती थी। सदस्यता हेड लॉज मैन यानी लॉज का मुखिया देता था। सदस्यता लेने से पहले कठिन इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। सदस्यता मिलने के बाद लोगों को लॉज में आने की इजाजत मिलती। खास मौकों पर मुखिया के नेतृत्व में दाखिल होते वक्त हाथ में मोमबत्ती हुआ करती थी। काले कपड़े में लॉज लाइट का मुखिया कुर्सी पर बैठा करता था। पीछे दूसरा सदस्य
काले तख्त पर मानव खोपड़ी को ढक देता था। उसके बाद सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी में मेडिटेशन यानी ध्यान शुरू हो जाता था। इस मेडिटेशन का मकसद होता मृत आत्माओं को बुलाना। इस मेडिटेशन से आत्माएं जागृत होती और वहां बैठे अंग्रेज तांत्रिकों को उसकी आवाज आने लगती। उस आवाज को वहीं रखी एक किताब जिसे कोड बुक कहते हैं, उसके सहारे डीकोड किया जाता था। जब आत्मा वहां आती तब उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती थी, तब वो कोड बुक की मदद से आवाज का मतलब निकाल लेते। ये संकेत बिल्कुल ऐसे होते जैसे टेलीग्राम के संकेत, यानी पूरी तरह एक सांकेतिक भाषा। अंग्रेज तांत्रिक ध्यान से, मेडिटेशन से आत्माओं को बुलाते थे। आत्मा अपने आने का संकेत आवाज से देती थी। कुछ ऐसा ही संकेत पत्रकार दिगंतो दत्ता को भी मिला जब वो लॉज लाइट में दाखिल हुए। मैंने जब अंदर गया तो देखा वहाँ पे एक अलग से अलग कमरे में एक कॉफिन है। तो मैंने सोचा कॉफिन को देखते हैं क्या है अंदर, तो किसने लगा। उसी समय नीचे से एक आवाज़ आई, जैसे कोई द्वार में दरवाजे में कोई खटा रहा है। कॉफिन खिसकी नहीं कि आवाज़ आनी शुरू हो गई। आवाज़ नीचे चौकीदार की नहीं थी। वैसे अगर ये मान लें कि अंग्रेज तांत्रिक आत्माओं को बुला लेते थे, लेकिन वो उन आत्माओं को बुलाने के बाद करते क्या थे?